Hi, today we are taking some common mistakes of pronoun. Before we take these mistakes, let us first understand what is the meaning of pronoun, right? Yahan se padhna start karte hain. Pronoun substitute a noun to avoid repetition of a noun. ठीक है, मतलब pronoun जो है noun को substitute करता है ताकि noun को हमें बार बार repeat ना करना पड़े. इसको एक एग्जांपल से थ्रू समझते हैं. जैसे मैंने एग्जांपल लिया, राम लिव्स इन दिल्ली. राम इज ए नाइस पर्सन. राम आल्सो हेल्प्स हिज नेबर व्हेन एवर दे नीड इट. राम हैपन्स टू बी वेरी गुड कुक. तो यहाँ पे राम को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, जो कि बहुत ऑकवर्ड लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है. ठीक है, अगर मैं राम को पहली बार सिर्फ यूज करके उसके बाद मैं ही का यूज करूँ तो वो थोड़ा सा अच्छा लगेगा. ठीक है, तो राम जो है यहाँ पे नाउन है, उसको हमने ही से रिप्लेस कर दिया. ही यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन. तो नाउन, प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है? प्रोनाउन इज ए वर्ड विच रिप्लेसेज ए नाउन, राइट? ठीक है, तो मैं अभी से यहां पे चेंज कर रहा हूं. ही इज ए नाइस पर्सन. ही ऑल्सो हेल्प्स हिज नेबर व्हेन एवर दे नीड इट. एंड नेक्स्ट, ही हैपन्स टू बी ए वेरी गुड कुक. ठीक है, तो ये तो हमने समझा कि प्रोनाउन क्या होता है. अब प्रोनाउन कई तरह के होते हैं, हम उसमें उसकी निटिग्रिटी में जाने की जरूरत नहीं है, वो बारीकी हमें देखने की जरूरत नहीं है. दो प्रोनाउन के मैं प्रकार आपको बता रहा हूँ. ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए, आपको कुछ यहाँ कुछ क्रैम करने की जरूरत नहीं है, राइट? आगे जो मैं कुछ प्रोनाउन के मिस्टेक्स लूंगा उसमें हमें समझने में हेल्प करेगा, जो हम अभी कंसेप्ट हम समझ रहे हैं. ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ अपने लिए योगेश, तो इसकी जगह मैं कह सकता हूँ आई. आई इज ए प्रोनाउन. ठीक है, या फिर मैं ही की जगह हिम का यूज करता हूँ, हिम प्रोनाउन है. शी की जगह हर का यूज करता हूँ, हर जो है प्रोनाउन है. दे की जगह देम का यूज करता हूँ, देम जो है प्रोनाउन है. कुछ ग्रुप ऑफ पीपल है उसकी जगह यूज करते हैं वी का, तो वी जो है प्रोनाउन है, राइट? ठीक है, तो ये जो आई, ही, शी और वी, दे, ये होते हैं हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन. अगर मैं आई की जगह मी का यूज करता हूँ, इसका मतलब मैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की बात कर रहा हूँ. वी की जगह अस जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है. ठीक है, ही की जगह हिम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है. तो जो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर हैं आई, ही, शी, वी, दे, ये सारे के सारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन है. और मी, हिम, हर, अस, देम, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है. ठीक है, आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, इसे अभी हमें कंसेप्ट्स को समझने में हेल्प मिलेगी. सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, राइट? चलिए आगे देखते हैं कि प्रोनाउन की कुछ मिस्टेक्स मैंने लिए. माई सेल्फ राम कुमार. अब देखिए, पहले तो माई सेल्फ का हम यूज कहां पे करते हैं? जैसे मैं कहता हूं आई विल डू दिस वर्क माई सेल्फ, मैं ये काम खुद ही करूंगा. आई विल कॉल यू माई सेल्फ, मैं खुद ही आपको कॉल करूंगा. जहां पे एम्फेसाइज करना है, आप कुछ कर रहे हैं उसको आपने एम्फेसाइज करना है. जैसे मैं कहता हूँ आई विल कॉल यू माई सेल्फ, मैं खुद ही आपको कॉल करूंगा. ठीक है, तो जब मैं कहता हूँ माई सेल्फ राम कुमार, मैं खुद ही राम कुमार, तो दिस इज नॉट ए राइट इंट्रोडक्शन. और ये बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, इसलिए हमारी आदत पड़ गई है माई सेल्फ बोलने की. माई सेल्फ राम, माई सेल्फ रमेश, माई सेल्फ योगेश, दिस इज अ रॉन्ग इंट्रोडक्शन. ठीक है, रीजन मैंने आपको बताया, माई सेल्फ का मतलब मैं खुद ही. ठीक है, जबकि जब मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं राम हूं, मैं योगेश हूं, राइट? तो आई विल सिंपली से आई एम राम कुमार. ठीक है, तो माई सेल्फ पे कभी भी आपने इंट्रोडक्शन नहीं देना. ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, स्टेक्स के जो एग्जाम्पल्स आते हैं उसमें भी आपको आ सकता है इस तरह का एग्जाम्पल. ठीक है, नेक्स्ट मिस्टेक टू, शी इज स्मार्टर देन मी, राम इज बेटर देन हिम. अगेन ये भी कुछ एग्जाम्पल है जहां पे हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं और बचपन से इसी तरह से हम यूज करते चले आ रहे हैं. पर आपने एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप दो ह्यूमन बीइंग को कंपेयर कर रहे हैं तो देन के बाद आप हमेशा जो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करेंगे. ठीक है, बचपन से हमें गलत आदत पड़ी हुई है. ठीक है, गलत कंसेप्ट बताया गया है. तो यहां पर क्या आएगा? राम इज स्मार्टर देन आई एम. आई क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, राइट? यहां मी गलत है बिल्कुल. नेक्स्ट, राम इज बेटर देन हिम, राम उससे अच्छा है. राम इज बेटर देन ही इज, ठीक है, या बेटर देन ही. ठीक है, तो यहां पे हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज होगा. ठीक है, ये दूसरा एग्जांपल है जहां हम लगातार मिस्टेक करते आ रहे हैं. आगे चलते हैं. मी एंड माई ब्रदर विल गो देयर, मी एंड माई फैमिली फ्रेंड डिड दिस वर्क. अब देखिए, मैं जरा अभी थोड़ी देर के लिए ये कहता हूं
कि पहले एग्जाम्पल में मैं वहां जाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा, मी विल गो देयर और आई विल गो देयर, आई विल गो देयर, राइट, नॉट मी विल गो देयर. ठीक है, तो जब भी कोई आपने काम एक्टिवली करना होता है, एक्टिवली करने का मतलब जैसे मैं कहता हूं कि मैं मुंबई जाऊंगा, आई विल गो टू मुंबई, मैं जाऊंगा खुद एक्टिवली कर रहा हूं. ठीक है, आई विल सिट हेयर, मैं यहां बैठूंगा, मैं नहीं बोलूंगा मी सिट हेयर क्योंकि मुझे ही काम करना है, आई विल सिट हेयर. ठीक है, आई विल क्रिएट ए न्यू वीडियो, मैं एक नया वीडियो क्रिएट करूंगा, मुझे ही काम करना है, राइट. ठीक है, अब अगर मैं कहता हूँ मेरा दोस्त, यहाँ पे एग्जांपल है मेरा ब्रदर और मैं वहां जाएंगे, तो मैं बोलूंगा आई एंड माय ब्रदर विल गो देयर. क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे एक्टिवली काम कर रहा हूँ, मी नहीं आ सकता, मी होता है पैसिव के लिए, जैसे मैं इन्वॉल्व, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जैसे शी इज कमिंग टू मीट मी, काम कौन कर रहा है, वह आ रही है. ठीक है, मैं यहाँ पैसिव हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, शी इज कमिंग टू मीट मी, राइट. Me and my friend did this work. Again, मैंने और मेरे दोस्त ने यह काम किया था. तो फिर से अगर मैं सिंपल लेता हूं, मैंने यह काम किया था, I did this work. Right? मैंने आपको कॉल किया था, I called you. Right? तो I'll say, I and my friend did this work. ठीक है, ये बहुत ही कॉमन होता है, जब भी हम कैजुअल कोई भी कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं हम इस तरह से बोल देते हैं, मी एंड माई फ्रेंड विल गो देयर, मी एंड माई ब्रदर विल डू दिस वर्क. बिल्कुल गलत है, आपने क्या करना है, आई एंड माई फ्रेंड, माई फ्रेंड एंड आई, माई ब्रदर एंड आई. ठीक है, तो इस तरह से आपने यूज करना है. जब भी कोई काम एक्टिव यूज कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यानी कि मी का, हिम का, हर का यूज आप नहीं करेंगे, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. I, he and you will make this arrangement. ये वैसे यहाँ पे इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, पर जो ऑर्डर ऑफ प्रनाउन है, कि जैसे हम हिंदी में कहते हैं मैं बाद में आना चाहिए, ठीक है, ऐसे इंग्लिश में भी रूल है, मैं को हम बाद में करते हैं. ठीक है, सबसे पहले जो सामने है यू, ठीक है, उसको हम लेके आते हैं. ठीक है, उसके बाद हम थर्ड पर्सन को लेके आते हैं जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, उसके बाद हम आई को लेके आते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आई ही एंड यू विल मेक दिस अरेंजमेंट. तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, जो सामने है पहले यू, जो नहीं है ही, एंड आई विल मेक दिस अरेंजमेंट. ठीक है, नेक्स्ट यू, आई एंड ही विल हेल्प द पुअर. तुम, मैं और वह गरीब लोगों की मदद करेंगे. ठीक है, फिर से पहले तुम, उसके बाद जो थर्ड पर्सन ही, उसके बाद आई, यू एंड आई, यू ही एंड आई विल हेल्प द पुअर. तो ऑर्डर के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले जो आपके सामने इंसान है, अपने आप को पहले कभी भी नहीं लेके आना. ठीक है, यानी कि यू, उसके बाद जो इंसान उपस्थित नहीं है, जो प्रेजेंट नहीं है, यानी कि ही, शी, कोई भी हो सकता है. ठीक है, उसके बाद आई को लेके आना है, आई को सबसे लास्ट में रखना है. ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट मिस्टेक. Everyone should take their responsibility. हर एक को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए. ठीक है, ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है. हम कह रहे हैं हर एक को, यहां पे एम्फेसाइज किस पे, हर एक को, राइट. तो देयर नहीं आएगा, हर एक को. Everyone should take his responsibility. ठीक है, और ये डिपेंड करेगा, अगर ये गर्ल्स के ग्रुप में है तो वन में से एवरीवन शुड टेक हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बॉयज का ग्रुप है एवरीवन शुड टेक हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कंबाइंड ग्रुप है यहाँ पे क्या आ जाएगा, एवरीवन शुड टेक हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी. पर यहाँ पे देयर कभी भी नहीं आएगा क्योंकि एम्फेसाइज यहाँ पे एक पे किया हुआ है, राइट. नेक्स्ट मिस्टेक, लेट आई कंप्लीट माई वर्क, लेट शी गो देयर. अब ये हमारी बुक स्पीक इंग्लिश लाइक ए स्टार का पहला लेसन है कि जब भी आप लेट का यूज करेंगे, आप ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, यानी कि मी का, हर का, हिम का, देम का, अस का. ठीक है, लेट के साथ कभी भी आप सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे, या सब्जेक्टिव प्रोनाउन का मतलब आई, ही, शी, वी, दे. तो यहां पे हम क्या करेंगे, आई किस में चेंज हो जाएगा, मी में. लेट मी कंप्लीट माई वर्क. ठीक है, उसे वहां जाने दो, लेट हर गो देयर. ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये प्रोनाउन की कुछ कॉमन मिस्टेक्स थी. और प्लीज, जैसे मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूं,
इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है कि आपने एक बार वीडियो देख लिया और ये ओवर हो गया. आपने इस वीडियो को दो बार तीन बार देखना है जब तक आपके माइंड में ये कंसेप्ट्स क्लियर ना हो. फ्रेंड्स, अगर इंग्लिश बोलना लिखना समझना आपका चैलेंज है, आपकी वोकैबुलरी बहुत ही वीक है और आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने में हमेशा प्रॉब्लम होती है, तो आप इंग्लिश सीखना स्टार्ट कर सकते हैं मेरी बुक स्पीक इंग्लिश लाइक ए स्टार से. एंड लेट मी अश्योर यू, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स टू लर्न इंग्लिश. इसके कुछ सैम्पल चैप्टर्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं जिसका आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं. थैंक यू.